हेलो गाइस, मेरा नाम है जाहिद और आज हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं एकेन के H9 को। बेसिकली ये एक एक्शन कैमरा है और मैंने ये अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है। तकरीबन मेरे को ये 2500 का पड़ा और इसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी मेरे को नहीं लगी। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो ये स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है 720p 120fps में, 1080p 30fps और 1080p एट द रेट 60fps पे ये रिकॉर्ड कर सकता है HD क्वालिटी, और 4K एट द रेट 25fps पे रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको बॉक्स के अंदर। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है एक्शन कैमरा। ये बॉक्स है ना, मेरे पास ब्रिक्स आया था, कस्टम की वजह से ब्रिक हो गया वो पता नहीं, और ये ओपन आया था मेरे पास बॉक्स पहले से ही। तो इसमें आपको दो बॉक्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा चार्जर एंड डेटा केबल। तो क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है केबल की, और यहाँ पे आपको माइक्रो USB देखने को मिल जाती है। और अब बात करें सेकेंड बॉक्स की, तो सेकेंड बॉक्स में आपको अलग अलग तरह के माउंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्राइपॉड माउंट, हेलमेट का माउंट, और जो हैंडल होता है आपका साइकिल या बाइसाइकिल का उसका माउंट, और अलग अलग तरह की ग्रिप वायर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जिप टाइज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और अलग अलग तरह के स्क्रूज मिल जाएंगे जो आपको ट्राइपॉड में माउंट करने के काम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हाउसिंग की एक अलग से प्लेट भी मिल जाएगी आपको, जो वाटर प्रूफ हाउसिंग है। तो अब इसको देख लेते हैं कि असल में है कैसा कैमरा है चलाने के अंदर और इसकी कैसी क्वालिटी है। तो यह है Eken H9। दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने व्हाइट कलर चूज़ किया है। यहाँ पे आपको 180 डिग्री का वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है अगर आप इसको डे लाइट में यूज़ करोगे तो। वहीं बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 1050mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और मेरे हिसाब से ठीक बैटरी है, 1.5 या 2 घंटे का आपको बैटरी बैकअप दे देगी आपको आराम से। तो वहीं बात करें इसकी साइड बटन्स की, तो यहाँ पे आपको 2 बटन राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे, अपर साइड में आपको एक शटर का बटन देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा एक पावर ऑन का बटन। तो सबसे पहले इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको रेड LED मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आपको Eken का लोगो मिल चुका है, और क्वालिटी ठीक ठाक है। लास्ट में आपको वीडियो के एंड के अंदर आपको मैं दोनों डे लाइट एंड लो लाइट की दोनों वीडियो बता दूंगा कि कैसे परफॉर्म करता है कैमरा। और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको वाईफाई देखने को मिल जाता है, तो जो ड्रॉप डाउन का जो बटन है उससे आप वाईफाई को एक्टिव कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू। तो वहाँ पे आपको स्क्रीन मिररिंग देखने को मिल जाएगी। इसकी एक एप्लीकेशन आती है इजी आई कैम नाम से, उसको आप अपने एंड्रॉइड या iOS में डाउनलोड करके इसको इससे पेयर कर सकते हैं। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है इसकी डे लाइट क्वालिटी, तो आप देख सकते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। तो अब बात करें इसकी लो लाइट की, तो आप देख सकते हैं ये है लो लाइट फुटेज Eken H9 के थ्रू। कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है इससे, कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं की है, डायरेक्ट फुटेज है। आप जैसा कि देख सकते हैं 1080p एट द रेट 60fps पे ये रिकॉर्ड की गई है। 4K इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है इसके अंदर, और इसमें आपको कोई भी इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर भी बात करें अगर 2500 की, कहने का मतलब है 2500 के अंदर अगर आपको ये कैमरा मिलता है, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कैमरा है। अगर आप इसको GoPro से कंपेयर करोगे, आप अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे GoPro वर्सेज Eken H9, तो आपको क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है Eken H9 की क्वालिटी मेरे को GoPro से अच्छी लगी, अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करें 1080p एट द रेट 30fps। तो ये था रिव्यू और अनबॉक्सिंग, मेरा फर्स्ट रिव्यू और अनबॉक्सिंग Eken H9 की। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, और अगर आपको कैमरा भी थोड़ा पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी व्लॉगिंग करना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर, तो व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है ये, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस मैं मिलता हूँ आपको न्यू और ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।